हम निर्माण कार्यों को नहीं रोकना चाहते, लेकिन पर्यावरण भी जरूरी है, पर्यावरण का स्तर भी नहीं गिरने देना चाहते। हम चाहते हैं इसको तुरंत रोकें, निर्माण कार्य भी होते रहे और पर्यावरण भी खराब ना हो। हमने कहा है जो भी मिट्टी जा रही है, खुदान हो रहे हैं, जगह जगह ढक के जाए इस और इस तरह से जाए कि रास्ते में मिट्टी ना गिरे, ताकि वो हवा में उड़ती है उससे पर्यावरण खराब होता है और AQI खराब होता है। हम नहीं चाहते कि AQI हमारा खराब हो, हम नहीं चाहते कि हमारे काम रोके जाएं, काम भी हो और पर्यावरण भी सही रहे। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर NCR में जितनी भी बसें हैं वो या तो BS6 हैं या CNG की हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, डीजल की व्हीकल्स नहीं आ रही है। नहीं, इसी में हमने इम्प्रूवमेंट किया है और सख्ती कर रहे हैं कि पर्यावरण को सही रखना हर अधिकारी की जिम्मेदारी है। अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। और NGT ने डायरेक्ट बुला रहे हैं, वो कह रहे सजा तक हो जाएगी अगर तुम्हारा मामला सही नहीं हुआ तो। लेकिन सर मैकेनिकल शिफ्टिंग की जैसे आपने बात करी, मैकेनिकल शिफ्टिंग हो तो रही है लेकिन उससे क्या है कि पानी का छिड़काव अगर नहीं होगा तो धूल उड़ती है और वो अपना डीजल। हम इसके लिए भी कह रहे हैं कि वाटर स्प्रिंकलर है आपके पास, वाटर स्प्रिंकलर को इस्तेमाल करो और एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल करो ताकि धूल ना हो। अगर कहीं पे आप लोग तो पत्रकार हैं, अगर कहीं पे आप समझते हैं धूल नहीं है, आप यहाँ के CEO से कहिए, ACO से कहिए और ये कॉपी हमें भेज दीजिए, हम भी कहेंगे। जो एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ है उस पॉल्यूशन क्लिनिक के तहत अब जो लोग हैं जो पॉल्यूशन से रिलेटेड उनको समस्याएं हैं, RML में ऐसा पहला बना है। तो क्या हम आप जब यूपी की बात करते हैं जहाँ पे आपके पास गाजियाबाद है जहाँ पे सबसे ज्यादा AQI आता है और अब गौतम बुद्ध नगर की आज आपने विशेष रूप से बात की, तो क्या आपको लगता है कि पॉल्यूशन क्लिनिक करके एक ऐसा समाधान है जिसका नोएडा और गौतम बुद्ध नगर, आनंद विहार या यूपी में इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के एरिया में लग आ सकता है? देखिए जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है, दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा खराब है, हम अपने यहाँ कोशिश कर रहे हैं ऐसी नौबत ही ना आए जो हमें उस स्टेज तक पहुंचे। हम यहाँ का AQI कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हमने आपको बताया वेट क्लीनिंग करा रहे हैं, मैकेनिकल क्लीनिंग करा रहे हैं, एंटी स्मॉग गन्स लगा रहे हैं, वाटर स्प्रिंकलर लगा रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ जो कच्ची जगह होती है उस पर हमने कहा भाई एकदम कुछ नहीं हो सकता, घास लगा दो, घास लगाने से धूल नहीं उड़ेगी। आम जनता से कह रहे हैं कूड़ा मत जलाओ, पराली मत जलाओ, ताकि ऐसी नौबत ना आए। लेकिन अगर ज्यादा ऐसी बीमारियां बढ़ेंगी तो हमारी सरकार उस पर भी विचार करेगी।